कैसे हैं भावेश भाई? हर हर महादेव सर, कैसे हो आप? बस हर हर महादेव, बढ़िया है सर। क्या बना क्या रहे हो सर? हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी, क्या बात है, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा? ऐसा है, सूरत में ही मिल जाएगा सर आपको। क्या बात है, चलिए फिर बनाइए ना। ठीक है सर। अच्छा, कटिंग कर रहे हैं पहले? हाँ सर। अच्छा, तो गाइस हमारे साथ बने रहिए, हम आज आपको दिखाने वाले वेज हैदराबादी बिरयानी कैसे बनता है। नॉन वेज तो आपने हर जगह ही देखा होगा। ऑनियन आएगा तो ये देखिए भाई, सबसे पहले पैन फ्राई में ऑनियन ऐड कर लिया है भवेश भाई ने। कैप्सिकम आएगा, ग्रीन कैप्सिकम आ चुका है, और एकदम आलू भी आएगा। क्या बात है भाई, पहली बार ऐसी बिरयानी हम देख रहे हैं जिसमें आलू भी आएगा। तो ये कब से चल रही है सर रेसिपी? चल रहा है सर, 5 सालों से चल रहा है। 5 सालों से भाई साहब, हम ही लेट हो गए। तो ये देखिए, बॉइल आलू है, कटिंग किया जा रहा है, और हैदराबादी बिरयानी में ऐड करने वाले हैं भावेश भाई। पनीर भी आएगा उसमें। पनीर भी आएगा, क्या बात है। तो भाई बने रहना आप लोग हमारे साथ, एंड में हम बताएंगे इनका लोकेशन, जहां आने के बाद आप ये हैदराबादी वेज वाली बिरयानी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ऑयल डाल देंगे, और ये देखिए हल्का सा ऑयल ऐड कर लिया है, अमूल बटर आएगा, और साथ में आ गया अमूल बटर, क्या बात है। तो भावेश भाई, कितना साल हो गया आपको ये सब बनाते हुए? 5 साल हो गया। अच्छा, 5 साल हो गया आपको ये सब बनाते हुए। तो और कोई भी बिरयानी है या यही है? है ना सर अपना। अच्छा, और भी है? और पुलाव भी है। क्या बात है। टमाटो डालेगा सर? ये देखिए भाई, टमाटो भी ऐड कर लिया है भावेश भाई ने। आलू डाल दिया। ये क्या चीज है सर? लहसुन सर। अच्छा, लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, जैन में भी रहता है अपने वहाँ? जैन भी मिल जा रहा सर। कितने बजे आते हैं भावेश भाई आप? 6 बजे आते हैं सर। शाम को 6 बजे? और कब तक रहते हैं? 12 बजे तक। रात के 12 बजे तक एवरीडे ओपन रहता है ना अपना? पराठे में भी अपने पास वैरायटी है ना? कितनी वैरायटी होगी पराठे? 90 पराठा। क्या बात है भाई। आएगा जी, हैदराबादी मसाला है क्या सर? नहीं सर, अपना ये पंजाबी ग्रेवी है। अच्छा अच्छा, ये किचन किंग है जी। ये नमक आ गया। यहाँ पर मसाले बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुके हैं, और इसके बाद आ गया है राइस। बने रहिए, क्वांटिटी बताएंगे, प्राइस बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, ताकि आप लोग भी बिना हैदराबाद गए सूरत में ही ये वाला पुलाव और ये वाली बिरयानी बिल्कुल ट्राई कर सके। तो ये देखिए, हमारा जो हैदराबादी बिरयानी है, वेज बिरयानी, वो अब रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। दिखने में तो बड़ा यम्मी सा लग रहा है भाई, बड़ा चटपटा लग रहा है। चलिए बताते हैं आपको। तो ये देखिए भाई, हमारा गर्मा गर्म जो हैदराबादी बिरयानी है कंप्लीट रेडी है। तो भावेश भाई, हो गया रेडी सर? बाकी और अभी बाकी है। हाँ सर। तो उसके अंदर ये पापड़ भी आने वाला है क्या? हाँ सर। क्या बात है भाई, तो हो गया पापड़ या और भी आएगा? और आएगा सर। क्या बात है भाई। तो ये देखिए, हैदराबादी बिरयानी है, साथ में आप देख रहे हैं पापड़ भी आने वाला है। चलिए देखा जाए फिलहाल ये पापड़ ऐड कैसे होने वाला है उसमें।
तो अब ये पापड़ ठंडा होगा तभी तो ऐड होगा ना। ये लो जी पापड़ भी ऐड हो गया और ये आ गया ऊपर से चीज। ये चीज देखने के बाद आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि हम सूरत में हैं, क्योंकि सूरत में ये सबसे ज्यादा खाया जा रहा है। और ये आ गया हरियाली हैदराबादी बिरयानी के लिए और रेडी। चलिए गाइस ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं टेस्ट में कैसा है। वेज वाली कंप्लीट रेडी है, लेकिन इस पापड़ के कॉम्बिनेशन के साथ भाई सूरत में पहली बार मैं ऐसी कोई बिरयानी ट्राई करने जा रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले कहीं ट्राई किया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वैसे चलिए एक बाइट लिया जाए इसका। देखिए इसके अंदर पनीर चीज वगैरह ऐड किया गया है, जिसके अंदर मसाले जो मिक्स किए गए और वेजिटेबल्स जो इसमें ऐड किए गए हैं उनका टेस्ट बहुत लाजवाब है। सारे वेजिटेबल्स का आपको फ्रेश टेस्ट मिलने वाला है और मसाले इतने नहीं डाले गए कि जो आपके गले में लगे, इतने अच्छे मसाले इतने लेवल में डाला गया है कि भाई आपके गले में बिल्कुल नहीं लगेगा। कभी कभी हम जब ऐसी बिरयानी ट्राई करते हैं तो कभी कभी गले में मसाला लगता है, बट यहाँ पर मैं कहूँगा भाई बिरयानी का टेस्ट काफ़ी लाजवाब है और इस पापड़ के साथ तो भाई और लाजवाब है। तो चलिए आपको बताते हैं इनका लोकेशन ताकि आप लोग भी ट्राई कर। भाई वेज हैदराबादी बिरयानी खाने के बाद तो मजा आ गया भाई, लेकिन अगर किसी को खाना हो तो कहाँ आना रहेगा? सर हमारा लारी का नाम है भोलेनाथ पराठा, एफपीएम के सामने एग्जिट है, अपोजिट साइड, और लोकेशन है चौकड़ी से आगे आओगे ना एसजीजे स्कूल के आगे, डम्बस मक्दला रोड है, वो रोड पे ही अपना है। चलिए गाइस एक बार लोकेशन दिखाते हैं। तो ये है गाइस भोलेनाथ पराठा और ये आया हुआ है उधना मक्दला वाले रोड पे, सीधा रोड वीआर मॉल को कनेक्ट करता है। ये जो बीआरटीएस है ये है एसडीजेएन बीआरटीएस, सामने हैप्पी होम। तो अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो एड्रेस हमने दे दिया है, ये ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा।